तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हुआ हूं मैं आपके सामने एक और एक स्कैम को लेकर। डीकेजेड करके एक कंपनी खोली गई थी जो कि ना पोंजी स्कीम चलाती थी, उसका तकरीबन तकरीबन जो एस्टीमेट बताया जा रहा है स्कैम का, वो तकरीबन 700 करोड़ बताया जा रहा है। और उसके इन्वेस्टर जो अभी तक के सामने आए हैं वो 18,000 इन्वेस्टर सामने आए हैं, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज के भी इन्वेस्टमेंट लिए गए हैं फॉरेन कंट्रीज के। और यहाँ पर हैदराबाद के अंदर एक एहतजाज किया गया है उसके खिलाफ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया। देखिए, हीरा गोल्ड एक पोंजी स्कीम थी जिसमें लाखों लोग ने इन्वेस्ट किया और वो एक पोंजी स्कीम चलाती थी नौहेरा शेख। उसी तरीके से ये डीकेजेड वाले लोग ने भी सेम तरीका अपनाया और लोगों को जो है ना फ्रॉड करने लगे, बताए कि आप है ना इसमें इन्वेस्ट करो, हमारी कंपनी जो है बिजनेस करती है। सेम स्टाइल जो है वो नौहेरा शेख का स्टाइल है बिजनेस बताना, कि ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, गोल्ड का बिजनेस है, फूडेक्स है, ये है, ग्रोसरीज है। तो अब जब पैसा आना बंद हो गया, क्योंकि क्या होता है, क्या जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे कि एक बंदा अगर ये कंपनी को अप्रोच किया, 1 लाख रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी ने बोली तुम्हें ना 12% तुम्हारे को जो है महीने महीने का मिलते रहेगा, 12% बोले तो 12,000, 1 लाख रुपए लेके रख लिए और 1 लाख में से उसको 12,000 2-3 महीना दिए। फिर वो जो आदमी होता है जो हर महीने 12,000 रुपए लेता है, वो 10 लोगों को बोलता है, फिर वो 10 लोग जो है 1-1 लाख रुपए वापिस से इन्वेस्ट किए, टोटल हो गया 10 लाख रुपए। अब तक के कंपनी के पास में वो एक बंदा और ये 10 बंदे 11 लोगों का जो के है ना 11 लाख रुपए जमा हो गया। देना कितना है, देना है 1,30,000 रुपए, समझ रहे हैं आप, 1,30,000 समथिंग कुछ देना है 11 लाख में से। अब वो जो 10 लोग हैं वो 50 लोग को और बोलते हैं और इन्वेस्ट कराते हैं, और वो पैसा जो है आपका ही पैसे में से वो 12% जो है देते जाती है कंपनी। जब कंपनी के पास में ज्यादा इन्वेस्टर्स हो जाते हैं और कंपनी के पास में इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाता है, जब कंपनी के पास में इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाता है तो वो लोग जो है बंद कर देते हैं कंपनी, बोल के है ना भाई हमारा जो है दिवाला निकल गया, हमारा बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ गया, जीएसटी का प्रॉब्लम आ गया, इनकम टैक्स का प्रॉब्लम आ गया, ये फलाना फलाना मिनिस्टर ने फंसा दिया, ये गवर्नमेंट कर रही है ये वो। और मुसलमानों को इसमें ज्यादातर जो है डीकेजेड में वो पूरा टोटली मुसलमान लोगों का पैसा लगा हुआ है। एक बार फिर मुसलमानों को जो है उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, बैकबोन तोड़ दिया गया। 18,000 इन्वेस्टर्स सामने आए हैं, वो लोग ने एहतजाज किया है और हैदराबाद के अंदर सारे इन्वेस्टर, ऐसा हीरा ग्रुप में क्या हुआ कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो है सामने नहीं आए, क्योंकि नौहेरा शेख ने वीडियो बना बना के बोली कि मैं दे दूंगी, मेरे को फंसाया जा रहा है। लेकिन ये कंपनी में ऐसा नहीं हुआ, ये कंपनी ने बंद कर दी इन्वेस्टमेंट देना और सारे इन्वेस्टर लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और कंपनी के एहतजाज में लग गए। वो लोग ने रैली निकाली, प्रोटेस्ट किए। आपको ये कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स, किस तरीके से लोग जो है यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, वीडियोस जो है बोलते थे लोगों को कि आप लोग का इन्वेस्टमेंट है वो आप लोग है ना बनाइए, और इन्वेस्टर लोग जो लाते थे इन्वेस्टर, उन लोगों को कैसा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनाया गया, डायरेक्ट सेल एजेंट बनाया गया कमीशन बेसिस पे। तो वो लोग अपने लालच के अंदर कि हमको है ना 3% 4% इसके इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा, यानी कि 10 लाख के ऊपर हमको 30-40 हजार रुपए बचेगा, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग है ना कंपनी के एजेंट बन जाते थे और कंपनी में और लोगों को इन्वेस्ट कराने के लिए करते थे, मजबूर करते थे इन्वेस्ट कराने के लिए, मनाते थे कि इन्वेस्ट करो, देखो हमको पैसा आ रहा है, पासबुक दिखाते थे, बाकायदा बैलेंस शीट दिखाते थे। अगर जैसे कि कोई कंपनी, ये बहुत फ्रॉड हो रहा है इंडिया के अंदर, हर जगह हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है, कोई भी कंपनी अगर ऐसा बोलती है कि है ना हम लोग है ना 10% 12% या 6% इन्वेस्टमेंट देंगे आपको, आपके इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट देंगे, तो समझ लेना आपके साथ में धोखा होगा, एक ना एक दिन जरूर धोखा होगा। तो आप लोगों को ये चीज समझ के चलना है कि आप लोगों को पैसा किधर इन्वेस्ट करना है, कैसा इन्वेस्ट करना है, उसका पूरा बैलेंस शीट देखिए, कंपनी का रिकॉर्ड देखिए, कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं वो देखिए। ऐसी कोई कंपनी नहीं होती है जो इन्वेस्टमेंट लेके करती है, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो लोग ऐसे एडवर्टाइज करके इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, उनके पास में ऑलरेडी इन्वेस्टर्स मौजूद होते हैं, वो लोग सीधा सीधा जो है पैसा लेते हैं, कंपनी के शेयर्स वो लोग के नाम पे कर देते हैं, यानी कि तुम कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, कंपनी में इतने परसेंट स्टेक के पार्टनर हो गए, इस तरीके से काम होता है। ये जो छोटे पैमाने पे ऑफिस खोल के जो इन्वेस्टमेंट लिया जाता है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया, तुम्हारा ही पैसा तुमको थोड़े थोड़ा करके लौटाया जाएगा और कंपनी एक ना एक दिन बंद हो जाएगी। पूरा जो मैंने निकाला हूं इसके बारे में, कंपनी के बारे में डेटा, वो आप देखिए इस वीडियो में। मिलियनर बनना है तो आप पैसों के वास्ते नहीं, पैसे आपके वास्ते काम करना। आज मैं आपको ऐसे एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में बोलता हूँ
DKZ इन्वेस्टमेंट इज ए सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म टू अर्न एन एक्स्ट्रा इनकम। आप 5,000 से लेके 5,00,000 या फिर आपकी जितनी इस्तेमाल है वहाँ तक इन्वेस्ट कर सकते। इनके अपने अलग प्लान है, 1 मंथ प्लान, गोल्ड प्लान, प्लैटिनम प्लान और ऑर्बिट प्लान। DKZ का एक मेंबरशिप कार्ड भी है जिससे आपको सुपरमार्केट लाइक डीमार्ट और स्कूल फीसेस में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। मोर देन 55K इन्वेस्टर्स है, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। अगर आप इन लोगों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप जो है सो उनको वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर आप उनके डायरेक्ट ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, मादापुर, हाईटेक सिटी, हैदराबाद, तेलंगाना, या फिर आप जो है सो कॉल पे भी बात करके उनसे डिटेल ले सकते हैं और पूरा मुतमईन होने के बाद और सेटिस्फाई होने के बाद आप जो है सो इन्वेस्ट कर सकते। डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में है एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और जो जो भी जिस पे भी प्रॉफिट जा रहे हैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जो है काफ़ी लोग जो है अपने EMIs बन ले रहे हैं, अपने जो है घर के अखराजात पूरे कर ले रहे हैं, घर का सौदा हो जा रहा है उसमें और करंट की बिल, किराया वगैरह, EMIs और जो है आपके बच्चियों की शादी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह किसी का हज भी हो गया और काफ़ी सारे लोगों का हुआ हमारे प्रॉफिट से अल्हम्दुलिल्लाह हलाल की तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हो रही। और जो है बस ये छोटी बात थी आप लोगों से बोलने की, जो जो भी हमारे लोग वीडियो देख रहे और उनसे ये थी कि एक छोटा आप अपनी तरफ से एक वीडियो बनाइए ताकि हमारे को उस चीज़ का जो है इल्म नहीं है कौन कौन प्रॉफिट्स कमा रहे हैं और जो है काफ़ी सारे जो है लोग जो है प्रॉफिट से महरूम भी है, तो उन लोगों से भी एक जो है आप जो जो भी हमारे पास लोग है जुड़े हुए उन लोगों से भी एक छोटी इल्तिजा है कि लोगों को बोलिए, आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जो है, मैं समझता हूँ आप लोगों की बात, काफ़ी लोग जो है डर रहे हैं, काफ़ी लोग वो कर रहे हैं, तो एक बार जो है वो लोग को ऑफिस को तो लेके आइए फिर हम बात करेंगे, शायद उनके हमारे बोलने से जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे और जो है काफ़ी सारे लोग जो है फायदा इस चीज़ का उठा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जो है रेफरल का भी फायदा हो रहा है, कई सारे लोग हैं, तो वैसे भी उसके अलावा भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जो है प्रॉफिट्स का मजा ले रहे हैं। और जो है बस एक और एक इल्तिजा है आपकी, एक छोटा सा वीडियो आप लोगों का जो है हम लोग को शेयर करिए ताकि जो है अगर हो सका तो जो है अब्दुल रज़ाक या फिर कोई भी जो है चैनल में जो है ये हम लोग डालेंगे तो आप फेमस भी हो सकते हैं वो हिसाब से जो है एक आप बस ये बोलना है कि आप लोग कब से है और टाइम टू टाइम आपको पेमेंट्स आ रही और जो है इवन हम एक दो दिन पहले इस देखिए फॉर जो है क्या बोल सकते हैं आपको, अगर छुट्टी वगैरह आ गई तो जो है पहले ही दे दे रहे हैं हम लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफ़ी लोग जुड़ना चाहिए और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो बस ये छोटी इल्तिजा थी आपसे, एक छोटा वीडियो, एक 5-6 सेकंड का या फिर एक 20-30 सेकंड का जो है एक छोटा वीडियो बना के कब से है आप जो है और कब से प्रॉफिट आ रहे हैं, एक छोटा वीडियो, एक मैं काफ़ी लोगों को बोला था लेकिन काफ़ी लोग जो है भेजे हैं और आप लोगों से भी थोड़ी एक छोटी इल्तिजा है कि जो है वीडियो एक भेज दीजिए, इंशाल्लाह हमको भी खुशी होगी और लोगों को हम दिखाएंगे कि जो है काफ़ी लोग फायदा उठा रहे हैं बल्कि। उसके अलावा हमारे स्टेटस पे जो है अभी नेक्स्ट जो है आपको आएगा गूगल का जो है रिव्यू का आएगा, उस पर एक अच्छे से स्टार्स और जो है एक प्यारी सी जो है आपके बोल DKZ के बारे में जो है वो बोल दीजिए और जो है बस इस चीज़ के और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए क्योंकि जब जितने भी जो है आपको यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह जो है और काफ़ी सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा रहते हैं उस पे भी आप लाइक एंड शेयर करिए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने, बस जज़ाकअल्लाह। करोगे तो आपको इन फ्यूचर कभी आपको काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट्स लेते रहिए। नो इट इज नॉट अ स्कैम, नो इट इज नॉट अ मिथ, इट इज रियलिटी। ये जानना है आपको तो मेरे साथ ट्यून रहिए। अगर आपकी सैलरी 1 साल की 10,00,000 है तो DKZ के साथ इन्वेस्ट करिए और आपको हर महीना 12% लाइक 1,20,000 इन ईयर इट इज इक्वल्स टू 14,40,000, तो ये आपका प्रॉफिट हुआ प्लस आपका जो इन्वेस्टमेंट है आप जब चाहे जब आपकी मैच्योरिटी डेट पे निकाल सकते हैं। हाँ आप सही सुने, अगर आप अपने तरफ से हमें 10,00,000 देंगे, इन्वेस्ट करेंगे DKZ में तो आपको हर महीना 1,20,000 मिलेगा, इन टोटल आपको मिलेगा 14,40,000 प्लस आपका 10,00,000 रुपीस आपको वापस। वॉरेन बफेट को 20% साल में मिलेगा लेकिन आप अगर DKZ के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको साल में 144% मिलेगा।
तो इट इज बेटर देन स्टॉक्स, इट इज बेटर देन एनी बैंक इन इंडिया, इट इज बेटर देन क्रिप्टोज एज वेल. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज कम एंड इन्वेस्ट डीकेजी विद गारंटी रिटर्न्स. जैसा जैसा है शॉप वो हिसाब से आप नहीं समझ पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे. ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है सर, हम एप्लीकेशन जो रन करते हैं गवर्नमेंट के कंप्लेंस के हिसाब से रन करना पड़ता है. वी टेक मनी एंड वी पुट मनी इनटू द बिजनेसेस, बट वी आर टेकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक. तो हमारे जो कंप्लेंस है वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है हमको. छोटा था सर, पहले छोटा था. नहीं, एक बात बताते, आपको कहने के लिए बहुत आसान होता है सर, RBI के रेगुलेशन पे है हम लोग, अभी पहले नहीं थे. तो पहले क्यों नहीं थे रेगुलेशन? पहले इसलिए नहीं थे बिकॉज इट वॉज अ स्मॉल कंपनी. स्टेज बाय स्टेज आपका रेगुलेशन बढ़ता है. आपका स्टेज बाय टूडे there is one small, tomorrow you have a larger application, then tomorrow you have a larger license for that part. Right now, could you tell me please, what is the main reason? See, this is the only reason, sir. We almost done in the application of the application. We are resisting for the government to not to expose. Just give me a sign and letter, aapko har mahine 10% TDS plus GST aapko deduct ho jayega. Okay. Then what happens? All your percentages get reduced. Okay, I satisfy with this. Yes. But never government stop any amount. For me, it has stopped, sir. Not only you, any financial institution, they have stopped. Do investors have profit? No. Government did not stop. Government हमको ये दिया है, public आपका नहीं है. Government हमने instruction दिया कि per day की limitation देने के लिए. कितना है per day limitation? I cannot disclose that. It's a huge. So you are telling around 60% payment have been done. Yeah, we have done. But nobody is telling. No, not nobody. There are other people. Others. About 50,000 people, sir. See, last I think the 13th date you have mentioned the 60% payment is completed. Yeah. The 13th to now the date is 21st. Yes. I think almost 7 to 8 days. Yes, it's almost completed. It's only 40% till the date nobody is got. That's exactly. 60% चले गया जब 6 दिन में, तो यहाँ पे 11 दिन में आपको 40% का रिलीज कर रहा. हमको बहुत कम रिलीज कर रहे हैं सर पेमेंट्स को. एक्सेप्ट दैट, आप बोले ना कि 6 दिन में आपका 60% चले गया, जैसे कि 9 to 13 डालेस है ना. हाँ. तो अब ये 13 से 21 है. हाँ. तो ऑलमोस्ट ये 1 वीक त्रास हो गया. तो 40% क्यों रिलीज नहीं कर सक रहे आपको? हम लोग को हम रिलीज नहीं कर रहे हैं, हमको डेली रिलीज किया, बहुत कम अमाउंट रिलीज कर रहे हैं. जब भी वही करे ना स्टार्टिंग में. सर द वे यू आर टॉकिंग टू मी एज इन आप सबको शक कर रहे हैं, बट लॉजिकली अपनी बात कर रहे हैं. आपके आपके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही है. एक काम करते हैं सर, यू कम टू मी एंड टू गवर्नमेंट ऑफिस एंड सिट एंड टॉक टू देम. No, that is not a procedure. You have to come out in the media. You have to give the video clip. So public will actually. No, I tell you one thing. How we can know about that fully detailed? Sir, actually, listen, first lesson. Nobody is, everybody is not eligible for that. Weak points, small points, each and everything. Sir, they want to just. आपका नाम सर? मेरा नाम शेख आदम है. शेख आदम सर. सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं सर. नहीं, बिल्कुल नहीं हैं. नहीं समझ सकते. अभी वो मेल भेजो बोल रहे हैं. कोई मेल नहीं आता ना. कल एसडे बोला. मैं एक बात बोलूँ. मैं इंडिया से. एक बात, मैं 1 ईयर से नहीं ले रहा. बताइए.